अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारा प्यारा किचन। देखिए जी, आज हम बना रहे हैं आप लोगों से बहुत अच्छी रेसिपी शेयर कर रहे हैं हम। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास है 4 अंडे और ये एक बॉल में हमने निकाल के रखे ले। ये देखिए, हमारे पास एक आलू है, इनको हमने बॉईल करके छिलते उतार के यूँ बारीक पीसेस में कट करके रखे। तो ये अंडे चले अंडे को हमने आलू अंडा एक हो चुके। ये देखिए, 2 छोटी छोटी एकदम छोटी साइज की प्याज हमने लिए, इसको बारीक चॉप किए ऑमलेट कट। और यहाँ पे 2 हरी मिर्चें, इसको भी बारीक कट करें। ये एक छोटा मीडियम साइज का टमाटर है, मीडियम ही टमाटर है ये, इसको भी बारीक हमने कट करके रखे। यहाँ पे थोड़ी सी हरी धनिया है, ये देखिए 2 टीस्पून, ये इसमें हम सब डालते हैं। देखिए, स्वाद के मुताबिक नमक, कुटी हुई लाल मिर्ची, चिल्ली फ्लेक्स 1 टीस्पून, एक पिंच हमारे पास ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर। ये सबको अभी अच्छे से मिक्स करना है। चलिए जी, सारे इंग्रेडिएंट्स में डाल चुके हैं हम, अभी अच्छी तरह से इनको मिक्स करना। आलूओं को हमने बॉईल करके रखे हैं दोस्तों, ज़्यादा ज़ोर से भी मैश नहीं करना, फेंटना नहीं तो आलू है तो टूट सकते हैं अंदर। तो हमें आलूओं को शेप को ख़राब नहीं करना, बस अच्छी तरह से इनको धीमे हाथों से मिक्स करते रहेंगे। चलिए जी, हमने देखिए यहाँ पे फैन रखे लिए और यहाँ पे ऑयल भी डाले हमने, 1 टेबल स्पून हमने ऑयल डाले इसमें और गर्म होने रखे। तो ये देखिए, ये बैटर हमने अंडे और आलू का बैटर हमने मिक्स करके रखे, ये अभी हम इसमें डालते हैं। आज धीमी हमारी, ऑयल गर्म हो चुका है, तो बस ये इसको हम इसमें डालते हैं। बस इसको फैला लेते हैं। डाल दिए ले और एकदम धीमी आंच रखे ले ताकि ये अच्छे से नीचे से भी पकते रहे। आलू तो हमारे कुक है और यहाँ पे हमें इसको एक आध मिनट के लिए अच्छे से धीमी आंच में पकाते हैं। इस पे देते हैं ढक्कन, चलते जी इसको 2 मिनट इसको हमने दिए है पकने। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे से हमारे अंडे कुक हो चुके हैं, तो यानी नीचे की तरफ है तो ये पक चुकी है। गैस हमारा एकदम धीमे पे है, अभी इसको हम करते हैं यूँ, ये फ्राई पैन को पलटाने का इनको, तो इनकी पहले साइड हम लूज करते हैं ज़रा से, देख सकते हैं ये अच्छे से कुक हो चुके हैं, ले देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो बस यहाँ से इनको पलटाना है अभी हमें, तो ये ढक्कन रखते हैं यहाँ पे, ये हैंडल को पकड़ते हुए बस इसको औंधा करना है हमें, बस यूँ इस तरह से। ये देखिए, हमने पलटी करा इनको प्लेट में, अभी इनको फिर से हम नीचे फ्राई पैन में ये छोड़ते हैं आराम से। ये देखिए है ना अंडा हमारा कुक, अभी यहाँ से भी हम इसको 1 आध मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाते हैं। चलते जी, यहाँ से यहाँ पे भी हमने धीमी आंच पे इनको 2 मिनट दिए, तो ये हमारे अंडे बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अभी हम इनकी प्लेटिंग करके दिखाते हैं आपको। दोस्तों, अगर हम रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए, इसकी हम प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं, गैस का फ्लेम बंद करते हैं यहाँ पे। चलते जी, ये देखिए हमने फिर वही तरीके से, तो ये देखिए कैसी लगी अंडा आलू ऑमलेट। तो दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपका बहुत सा ख्याल रखेगा, हमें दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।